जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शनि की राशि मकर में बृहस्पति करेंगे प्रवेश। जानेंगे इसी के विषय में और जानेंगे आज के वीडियो में किन चार राशियों के लिए होने वाला है लाभकारी। तो जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं शनि और मकर दोनों ग्रहों की वक्री अवस्था में युति होने जा रही है। चार राशि के जातकों पर इस गोचर का बेहद ही सुप्रभाव पड़ेगा, जो वहीं बाकी राशियों के जातकों को सावधान रहने की जरूरत होगी। शनि देव वर्तमान में अपनी स्वर्ग राशि मकर में गोचर कर रहे हैं। अब इस राशि में गुरुदेव बृहस्पति भी प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि में शनि के साथ गुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों को देखने को मिलेगा। दोनों ग्रहों की वक्री अवस्था में युति होने जा रही है। चार राशि के जातकों पर इस गोचर का बेहद ही सुप्रभाव पड़ेगा, तो वहीं बाकी राशियों के जातकों को सावधान रहने की जरूरत होगी। गुरु ग्रह 14 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:04 पर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि में शनि और गुरु की युति से चार राशि जिन्हें लाभ मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं वो है वृष, करक, तुला और मकर। इन चार राशियों के लोगों के कैरियर में लाभ प्राप्त होने के आसार रहेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे। ऑफिस में बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे, लेकिन दुश्मनों से सतर्क रहना होगा। लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। दोनों ग्रहों की युति जिन राशियों के लिए कष्टदायी साबित हो सकती है वो राशियाँ हैं मेष, मिथुन, सिंह और वृश्चिक। इन राशि के जातकों को इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि नुकसान होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। वाहन सावधानी से चलाएं, किसी न किसी कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपके लग सकते हैं। मित्रों, कन्या, धनु, कुंभ और मीन जातकों के लिए शनि और गुरु की युति का प्रभाव सामान्य रहेगा। इन राशियों के जातकों को नौकरी और व्यापार में अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है। बाहर का खाना खाने से बचें। किसी मित्र से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना शनि की मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति का वक्री होकर प्रवेश करना, और जाना किन किन चार राशियों के लिए रहेगा लाभकारी और किन राशियों के लिए रहेगा घातक। तो इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में। इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।